जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना हो ऐसे ही लोग आगे जाके बाहुबली बनते हैं। आई थिंक दिस प्रोपरली लाइक सम्स अप द टिंग एंड वट थिंग एम टॉकिंग अबाउटिंग अबाउट जिसका नाम है खुदा हाफिज और मैं इसको बहुत ही ज्यादा टाइम तक डिले करने के बाद फाइनली फाइनली देखा तो मैं गया था जिम मेरा जो जिम है वो मूवी थिएटर में ही है ग्रेट नो no? मैंने खुद को ऐसे मोटिवेट किया की कि दस पचपन का शो है साढ़े नौ बजे जिम जाऊंगा दस पचपन के शो की टिकट बुक करा के दस पचपन वाला शो देखाऊंगा और कल रात को मैं देखा है आफ्टर लाइक वन वीक ऑफ डिलेइंगल फाइनली देखा हूँ क्योंकि मैंने खुदा हाफिज वन स्पेशली देखी थी ताकि मैं खुदा हाफिज टू के बारे में बात करू तो यह है ऑनेस्ट फीलिंग्स और मैं हूं डॉक्टर नवीन और हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में जिसका नाम है खुदा हाफिज पार्ट अग्नि परीक्षा मुझे मेरी चाहिए बस तो देखो भाई मेरा बहुत मन था इस मूवी को देखने का क्योंकि मैं विद्युत जामवल को सिर्फ एक मूवी से जानता हूँ ऑनेस्टली लाइक मेरे हिसाब से मैंने और कोई मूवी नहीं देखी है मैंने सिर्फ कमांडो देखी थी और कमांडो में विद्युत जामवल बहुत अच्छा

एक्टिंग ये दोनों की शादी होती है और ये किडनेप हो जाती है और फिर होने के बाद पार्ट वन की ये दोनों कैसे है, इन दोनों की लाइफ कैसी है ये दोनों कैसे रहते हैं विद्युत जामवल ने पहली बार एक्शन से एक स्टेप बैक लेके स्टोरी के ऊपर फोकस किया और इमोशन के ऊपर फोकस किया फर्स्ट पार्ट में यही था फर्स्ट पार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही थी कि उसके अंदर जो ब्लड था ना वो एक्चुअली कुछ ज्यादा ही ब्राइट था इट डेंट फील लाइक ब्लड थिक ब्लड इट फेल्ड लाइक केचप केचप का जो कलर होता है वही ब्लड का कलर था उस मूवी में इस मूवी में थैंकफुली वो ठीक हो चुका है क्योंकि बजट जो है इस मूवी का बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया तो समीर जो है वो बहुत सीधे हैं बहुत ज्यादा सीधे हैं उनको कुछ नहीं मतलब ऐसा मारपीट से पर जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था अगर किसी इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाए तो वो एक्चुअल में बाहुबली यानी रिबेल भाई समीर को इतना ये लोग मजबूर कर देते हैं मारपीट करने पे तब वो फाइनली मारपीट करता है ये बहाने नहीं ढूंढता है समीर की कब एक्शन करूं कब मारू लोगों को मेरी बॉडी अच्छी है ये वो नहीं इज वेरी सब ड्यूड इज

पीछे हाथ है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंटेगनिस्ट का जो की है शिबा चड्ढा विच इज एन दिज दर्फेक्ट एंटेगनिस्ट ओके विलन प्लेड बाय शिबा चड्ढा प्रूव दैट सिर्फ मर्द ही <laughs> अच्छे विलन नहीं होते हैं शिवा चड्ढा ने ये प्रूव किया एंड शी इज मिनिंग लाइक ऐसा जितने भी ड्यूरेशन के लिए वो आती हैं उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना नेगेटिव है दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अपनी संजय लीला बंसाली रामलीला में से जो नेगेटिव रोल में प्ले कर रहे थे नाम भूल गया हूँ बट हंसा अगर रोल प्ले करते हैं वो खिचड़ी में आई एम सो सॉरी साथ में एक और हैं इनके राइट हैंड मैन है एंटेगनिस्ट के ठाकुर जी हैं जो शिवा चड्ढा उनके एंटेगनिस्ट के राइट हैंड मैन है दिवेंदु जो की बुचर है बाई प्रोफेशन बाकी आप समझ ही सकते हैं वट खुदाफ इज ऑल्सो डिड वॉज इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड इट वॉज उसमें क्रिएटिव लिबर्टी लेके उसके अराउंड एक स्टोरी बना दी जाती है तो ये बेसिकली एक सोशल मैसेज देश में जो चल रही हैं चीज़ें उनको भी एड्रेस कर सकते हो तो ये पर्टिकुलरली बेस्ड है लखनऊ में हुए दो बच्चों के अपहरण से नंदिनी गोज मिसिंग तो मैं तो ये सोच रहा था यार बेचारे का क्या बैड लग है इसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा होता और जैसे ही अच्छा होने लगता है तो सब खराब हो जाता है जैसे मतलब ये खुश हो गए थे नंदिनी के आने से पर वो भी चली गई उसको भी उठा ले गए और उसके वो किडनेप हो जाती है और ये उसको ढूंढने के लिए जाते हैं और वो ढूंढने के ऊपर ये स्टोरी है कैसे अ मैन हु जस्ट वॉन्ट टू लिव हैपीली विद हिज वाइफ एंड हिज डॉटर इज फोर्स्ड टू डू थिंग्स जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हैं एंड फोर्स टू सी थिंग्स दैट आर रियली बैड और जब ये इस नेक्सेस में फंस जाता है पुलिस वालों के ठाकुर जी के और कैसे ये मजबूर हो जाता है चीज़ें करने पर कैसे ये जेल जाता है कैसे ये वहां पर मारपीट करता है इसका एवोल्यूशन जो है फर्स्ट पार्ट से लेके इस पार्ट के एंड तक आई स्वेयर टू गॉड दिस इज़ लाइक द परफेक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर इसका थर्ड पार्ट आता है तो ये परफेक्ट थर्ड पार्ट होएगा तो व्हाट डज वर्क फॉर द फिल्म पे आ जाता हूँ कि इस पिक्चर को अगर लोग देखेंगे भी तो आगे लोगों को क्यों नहीं बताएंगे इसके बारे में वो है पहला रीजन है विद्युत जामवाल इज नॉट फेमस ही इज़ नॉट फेमस वो बहुत बेचारे बदनाम है अपने एक्शन फिल्मों के लिए कि ये सिर्फ एक्शन करता है सिर्फ मारपीट करता है सिर्फ ये करता है तो वो स्टीरियोटाइप्ड हो चुके हैं दूसरी चीज है कि इसका सेकेंड हाफ जो है वो उतना मूविंग नहीं है जितना फर्स्ट हाफ है जबकि उल्टा होना चाहिए जैसा कि मैंने बोला है कि दो क्लाइमैक्सेज होते हैं मूवीज में तो वो फर्स्ट क्लाइमैक्स जो है वो फर्स्ट हाफ के पहले ही आ जाता है और सेकेंड climax is not that good, but I'm not saying it's bad. my love hype. पॉइंट है इस पिक्चर का वो इंटरवल से पहले ही है गाइस यही दो चीजें खराब चीजें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को मोटिवेट करना है आपको पिक्चर देखने के लिए हॉट स्टार पे आ जाए तब देख लेना या फिर थिएटर में जाकर जाके थिएटर में भी लगी हुई है और सस्ती टिकट की टिकट है बताओ जो चीजें वर्क करती हैं सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि विद्युत जामवल ने बैक सीट जो ली है एक्शन ना करके एक्टिंग करके और इमोशनली सारे कैरेक्टर्स को दिखा के बहुत सारा स्क्रीन टाइम दे बहुत स्लो पिक्चर को बना के और वो जितने भी सीन्स है ना बहुत ही ज्यादा टाइम लेके

अजीब फील किया हो अंदर से अजीब फील होता है यार it is R -rated, it is 18+, तो आप सो, सोच लो इसके अंदर विजुअल्स बहुत सारे एक्सट्रीम विजुअल्स हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं तो बच्चे ना ही देखने जाए इस मूवी को फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है सेकेंड हाफ ऐसे सेकेंड हाफ में भी इतने सारे इतने सारे ब्यूटीफुल खूबसूरत सिनेटोग्राफिकली खूबसूरत सीन्स हैं जिसमें फाइट सीन्स एक्शन सीन्स वो बहुत बेहतरीन है एंड उन्हीं एक्शन के बीच में समीर और नरगिस का जो इंटरेक्शन जब भी आता है कैसे एकदम से पूरी पिक्चर डाउन हो जाती है मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा एक्शन चल रहा है एंड देन द म्यूजिक जस्ट चेंजेस एंड देन म्यूजिक म्यूजिक जस्ट टेक्स ओवर एंड इन दोनों का जो रोमांटिक uh, एंगल है जो जैसे दिखाया गया है इन दोनों का रिलेशन वो बहुत बेहतरीन है म्यूजिक पे आई गए हैं तो म्यूजिक की भी बात कर लेता हूँ म्यूजिक इतना बेहतरीन है इतना खूबसूरत है पन भी बहुत अच्छे से होती है मैं वहीं ही इमोशनली इन्वेस्ट हो गया था

उट उसके अंदर जो भी है जितना भी है भरा हुआ है ना और जब वो शाउट करता है, वो, वो सीन बहुत ही है और मैं हैरान कि, इन्होंने जो रेंज शो करी है लिटिल स्टेफ ड्यूंग ड्यूरिंग समी पोर्शन ऑफ द फिल्म ही इज अमेजिंग टू गुड एंड यू लव हिम एक्शन सीक्वेंसेज की तो तारीफ करी नहीं है मैंने इतने वेल डायरेक्टेड एक्शन सीक्वेंसेज है इतनी अच्छी खून खराब है इसके अंदर आई एम सॉरी और लखनऊ में ही रहने देते ना इस पिक्चर को तो इतनी ज्यादा अच्छी पिक्चर होती है क्या इजिप्ट विजिप्ट लेके गए वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया कि इजिप्ट ले गए इंटरवल के टाइम पर नरगिस जो इसको बोलती है ना वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया था मैं कहा यार ये तो भाई ओ, सा हो गया नहीं करना चाहिए आर फ्यू थिंग्स जो वियर्ड लगती हैं बीच में इट्स नॉट अ बैड फिल्म इट्स नॉट अ बैड फिल्म आई स्वेर टू गॉड अगर आप इसको थिएटर में देख के आओगे आप सेंट परसेंट इंजॉय करोगे आप मूव होगे आप रो इस पिक्चर में और आपको बहुत अच्छा लगेगा में नहीं देख नहीं, तो पे देखा ना। अगर विद्युत जामवाल की और पिक्चरें देखनी है तो एक पिक्चर तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा वो है कमांडो दूसरी पिक्चर होगी खुद पार्ट वन और तीसरी पिक्चर होगी खुदा इज पार्ट टू बड़ा इसी के साथ करते हैं क्योंकि मैं भर चुका हूँ सीने से ख्याल रखो अपना ख्याल रखो अपने परिवार वालों का बाय बाय टेक केयर सी इन